हेलो गाइस वेलकम बैक गाइस एल्टी बॉक्स नॉर्वे चेस 2020 बहुत ही लॉन्ग गैप के बाद में एक ओवर द बोर्ड टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया है इस टूर्नामेंट के डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने राउंड फर्स्ट का कार्लसन और लेवोन के बीच में मैच हुआ था ड्रॉ उसके बारे में मैंने आपको दिखाया था और जैसा मैंने आपको बताया था कि इस टूर्नामेंट में अगर मैच ड्रॉ होता है तो आर्मे गेडॉन से रिजल्ट निकाला जाएगा तो ये मैच कार्लसन और लेबोन अरोनियन के बीच में आर्मे गेडॉन मैच राउंड फर्स्ट का मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सो so, लेबॉन अरोनियन के वाइट पीसेस थे मैगनस कार्लसन के ब्लैक पीसेस थे डी से स्टार्ट किया है नाइट एफ सिक्स सी फोर ई सिक्स नाइट एफ थ्री और फर्स्ट क्लासिकल मैच में भी इसी तरह से दोनों ने स्टार्ट किया था नाइट सी और यहाँ पे कार्लसन ने अपना जो वेरिएशन है वो चेंज किया है ए सिक्स यहाँ पे खेला है लास्ट क्लासिकल मैच में कार्लसन ने रेगॉजिंग वेरिएशन बिशप टू बी फोर चूज़ किया था इस पर्टिकुलर मैच में कार्लसन ने ए सिक्स चूज़ किया है सो इट इज़ क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन और ए सिक्स यहाँ पर जो मूव कार्लसन ने चला है काफ़ी टाइम से कार्लसन अपने मैचेस में ये मूव खेल रहे हैं हम यहाँ पे बेंटर सीरीज़ में भी कार्लसन के कुछ मैच देख सकते हैं जो अभी फ़िलहाल ऑनलाइन टूर्नामेंट कुछ टाइम पहले हुआ था सो ए सिक्स ने खेला है थोड़ा सा सोच के यहाँ पे मैगनस कार्लस ने बी सिक्स खेला था एंड देनियन डेट जी थ्री सो यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल चांस हमें देखने को मिलता है अगर व्हाइट नाइट कैप्शर्स डी फाइव कराए तो ब्लैक यहाँ पे नाइट पे जो पिन है इसको यूज कर सकता है

पॉन से अटैक करने का बना सकता है एंड बिशप टू एच थ्री से इस बिशप को एक्सचेंज भी करना चाहेगा वाइट जिससे वो इस डी फाइव पॉन पे थोड़ा प्रेशर बना पाए सो बिशप ई सेवन बिशप एच थ्री कैसल कैसल बिशप कैप्चर्स एच थ्री रुक कैप्चर्स एच थ्री एंड सी सिक्स सो ई फोर एक इंपॉर्टेंट डिसीजन अरुनिन ने यहाँ पर लिया था सेंटर ओपन करने का बट यस डी कैप्चर्स ई फोर नाइट कैप्चर्स ई फोर नाइट डी सेवन क्वींस सी टू नाइट एफ सिक्स नाइट टू ई फाइव एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है कि वाइट की यहाँ पर क्वींस पॉन आइसोलेटेड है लास्ट मैच में हमने देखा था कार्लसन ने आइसोलेटेड क्वींस पॉन पोजिशन खेली थी इस मैच में लेबोन अरुनन के पास में क्वींस पॉन आइसोलेटेड है बट uh, बहुत ही जल्द वो फाइव पे आने वाली है सो नाइट कैप्चर्स क्वीन कैप्चर्स बिशप एफ सिक्स जी फोर रुकी एट जी फाइव बिशप कैप्चर्स पॉन कैप्चर्स वाइट को थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस एडवांटेज देखने को मिल सकता है दॉन स्ट्रक्चर डिफरेंट इन किंग साइड एंड क्वीन साइड व्हाइट के पास में किंग साइड पे फोर वर्सेस थ्री है ब्लैक uh, के पास में थ्री वर्सेज टू क्वीन साइड पे आप देख सकते हैं लेवन Rook 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 अरोनियन ने थोड़ा सोच के बी थ्री चला था ऐसा देखा गया है कि लेवन यहाँ पे थोड़ा फास्ट खेल सकते थे बिकॉज इस टूर्नामेंट में जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि 40 मूव तक कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा और यहाँ पे थोड़ा फास्ट खेल सकते थे क्योंकि क्वीन d2 पे अटैक कर रही है तो b3 यहाँ पे थोड़ा जल्दी खेल सकते थे और अभी तक सिर्फ 25 मूव्स ही हुई है तो यहाँ पे थोड़ा टाइम सेव कर सकते थे क्वीन g4 क्वीन e4 g6 रुक d2 c5 क्वीन c6 रुक f8 क्वीन f6 क्वीन कैप्चर्स b6 क्वीन कैप्चर्स f4 के बाद में किंग साइड के पॉन्स को काफी वीक कर रही है क्वीन यहाँ पे और uh, h4 भी यहां पे बहुत ही वीक पॉन है जो कि कैप्चर हो ही जाएगी एंड देन जी फाइव भी सूनर और लेटर यहाँ पे कैप्चर हो जाएगी तब ये पास्ट पॉन्स काफी स्ट्रॉन्ग ब्लैक की रहेंगी क्वीन एफ सिक्स पॉन को बचाते हुए क्वीन कैप्चर्स एच फोर किंग सी टू क्वीन ई वन क्वीन सी सिक्स क्वीन ई थ्री किंग क्वीन एफ सिक्स बी फाइव रुक डी थ्री क्वीन ई टू रुक डी टू क्वीन ई फोर चेक किंग बी टू एंड नाउ सी फोर तो ब्लैक की बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है क्वीन साइड की फाइल्स को ओपन करना जिससे वो किंग को ज्यादा से ज्यादा अटैक कर पाए बी कैप्चर सी फोर बी कैप्चर सी फोर और यहाँ पे लेबॉन ने बहुत ही बड़ा ब्लंडर किया है किंग ए थ्री यहाँ पे चला है जिससे कि क्वीन ए थ्री चैक यहाँ पे अलाउ हो जाता है ब्लैक को और ब्लैक यहाँ पे फोर्क दे रहा है और रुक के ऊपर अटैक कर रहा है लेबॉन ने यहाँ पे रिजाइन कर दिया था गाइज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किंग ए थ्री अगर नहीं भी चलता है वाइट तो भी किंग के ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक आने वाला है सी थ्री एक पॉन सेक्रीफाइस बन सकता है फाइल्स को ओपन करने के लिए रुक को इंक्लूड करने के लिए वाइट का किंग बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज है सो क्वीन थ्री चेक के बाद में यहाँ पे रिजाइन कर दिया वाइट ने और मैग्नेस कार्लसन ने इसमें ये मैच जीत लिया सो so, गाइज अगर आपको ये गेम पसंद आया वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को इसी तरह की कुछ और वीडियोस के लिए और एल्टी बॉक्स नॉर्वे चेस के अपडेट्स के लिए स्टे ब्लेस्ड स्टे हैप्पी बाय